नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ सिद्दीकी। सबसे पहले हेडलाइन। गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। शाहपुर थाना में हुए डबल मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा। एसएसपी ने कहा पुरानी रंजिश में हुई थी हत्या, शेष अभियुक्तों की भी जल्द होगी गिरफ्तारी। जिलाधिकारी व एसएसपी की अध्यक्षता में संपन्न हुई माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बैठक। डीएम ने कहा नकल करते हुए पकड़े जाने पर हो सकती है रासुका के तहत कार्रवाई। परीक्षा पर चर्चा के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्टर के माध्यम से की परीक्षार्थियों को दिए सफलता के टिप्स, कहा टाइम इज मनी। भूसा निर्मित भवन स्ट्रक्चर का डीएम ने किया अवलोकन, कहा बिल्डिंग काउंसलिंग से सर्टिफिकेट मिलने के बाद इसे पीएम आवास योजना में किया जाएगा शामिल। विधायक फतेह बहादुर सिंह ने कल्याणपुर में रोहिन नदी पर अंत्येष्टि स्थल निर्माण कार्य का किया शिलान्यास, कहा अंत्येष्टि स्थल पर बन जाने से लगभग 48 ग्राम सभा के लोगों को काफी होगी सुविधा। अपर नगर मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में संपन्न हुई व्यापार बंधुओं की बैठक, व्यापारियों के विभिन्न समस्याओं के निराकरण पर हुई चर्चा। स्वर्गीय माया पांडे की स्मृति में आयोजित हुई स्वर श्रद्धांजलि कार्यक्रम, स्वरों के माध्यम से दी गई श्रद्धांजलि। सामान्य कार्य एवं समान वेतन सहित विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे एनएचएम कर्मियों के समर्थन में आया राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, कहा जब तक मांगे पूरी नहीं होती जारी रहेगा समर्थन। एनी रेलवे गर्ल्स इंटर कॉलेज का वार्षिक उत्सव समारोह हुआ संपन्न। विद्यालय की छात्राओं द्वारा लगाए गए विज्ञान प्रदर्शनी का महिला कल्याण संगठन की सदस्यों ने किया अवलोकन। स्वच्छ भारत अटल बिहारी वाजपेयी खेल महोत्सव में फुटबॉल मैच का हुआ आगाज। उद्घाटन मैच दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल महावीर छपरा ने 3-1 से जीता। और दो दिवसीय जनपद स्तरीय ग्रामीण खेल कूद प्रतियोगिता का हुआ आगाज। 19 विकास खंड के खिलाड़ियों ने दिखाया दम। अब समाचार विस्तार से। शाहपुर थाना में हुए डबल मर्डर का मंगलवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया तथा हत्याकांड के आरोपी 25-25 हजार रुपये के दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में दुर्गेश यादव उर्फ शेरू यादव पुत्र बलवंत यादव निवासी जमीनी भीटी धाना गंगा तथा राशिद पुत्र वकील हुसैन निवासी ग्राम चेरिया थाना बेलीपार के रूप में हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त 32 बोर का दो पिस्टल 5 जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया नहीं आइयो ले ले भैया पीछे आ जाओ। मध्य मार्च तक के 2 फरवरी से 7 मार्च तक उसमें कोई 211 केंद्र हैं, सभी व्यवस्थापक गए हुए हैं। इनसे एक बड़ी हो गया था फिलहाल। अभी तक प्राथमिक जांच में मानवीय भूली है, पत्र इधर के उधर गए थे इस वजह से देर से उसमें अभी अभी काम चल रहा है उसमें। आपको पता है जैसा 23-24 की रात में एक डबल मर्डर केस हुआ था, मृतक रमेश यादव और मृतक रानू सिंह उर्फ का मर्डर हो गया था रेलवे कॉलोनी के पीछे एक आउट हाउस के पास में, जिसके संबंध में दो मेन अभियुक्त जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल इन दोनों के मध्य में कुछ आपस की लड़ाइयाँ थी, जो कभी कभार ये दोनों एक दूसरे को मारपिटाई हो जाती थी या कहासुनी हो जाती थी। इसी को लेकर के जो हमारे अभियुक्त हैं ये रंजिश मानने लगे थे और दुर्गेश यादव और शेरू को गाली गलौज मारपीट भी करी थी मृतक रमेश ने पहले भी। तो उस दिन जिस दिन घटना था उस दिन इन दोनों ने फिर जो है प्लान बना करके सोचा कि अगर आज हमें मारा पीटा गया तो हम इनको सबक सिखा देंगे। इसी वारदात को देखते हुए इनके पास वेपन वगैरह था ही और इससे इन्होंने इस वारदात को अंजाम दे दिया गया।
और हमारी टीम में एसपी सिटी, एसपी क्राइम और डीएसपी क्राइम साहब ने पूरी लग करके इस घटना का पूरा अनावरण कर लिया है। आपके सामने मेन अभियुक्त भी हैं और साथ में इनके असलहे भी बरामद हो गए हैं। इसमें शेरू की जैकेट भी बरामद हुई जो वो पहनता, जिस पे उसके मृतक के छींटे भी हैं, और इसके साथ ही साथ जो है उनके आधार कार्ड वगैरह भी जो उसके समय के थे उनके पास, वो भी बरामद हुए। और इसमें एक तरह से पहले भी हमारी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, अभी कुछ लोगों की गिरफ्तारी बाकी है, उनको भी गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों पर फिलहाल तो कोई इनाम नहीं था क्योंकि इस तरह के नहीं थे, लेकिन अभी जब होने के बाद हमने इनाम घोषित किया था जिससे इनकी गिरफ्तारी जल्दी हो सके। इनको 25,000 रुपये का इनाम हमने घोषित किया। जो मृतक हैं उनके ऊपर पूर्व के मुकदमे थे, लेकिन वो सभी लोग जमानत पर बाहर थे। हाँ, धन्यवाद। 7 फरवरी से शुरू होने वाले यूपी बोर्ड की परीक्षा को सुचिता के साथ नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए सभी केंद्र व्यवस्थापकों एवं पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन की अध्यक्षता में एमजी इंटर कॉलेज परिसर में संपन्न हुई। बैठक में एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, डीआईओएस ज्ञानेंद्र सिंह सहित पुलिस विभाग के अधिकारी और एसडीएम मौजूद रहे। बैठक में माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा 7 फरवरी से संचालित यूपी बोर्ड की परीक्षा की सकुशल संपन्न कराने पर चर्चा हुई। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि के मंशा के अनुरूप हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा नकल विहीन संपन्न कराएं। डीएम ने कहा कि जो भी टीचर या अभिभावक अपने बच्चों को नकल करा के पास कराते हैं उनका भविष्य अंधकारमय होता है। इस मौके पर डीएम ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे परीक्षार्थी की जगह परीक्षा देते हुए पकड़ा गया तो उसके ऊपर रासुका के तहत कार्रवाई की जा सकती है। बैठक को संबोधित करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा कि गुरु का दर्जा भगवान से बड़ा होता है, आप सब महागुरु बन के परीक्षा को नकल विहीन संपन्न कराएं, पुलिस विभाग आपके साथ है। बैठक के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन ने कहा, परीक्षार्थी कुल 69,894 परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं। यद्यपि निर्देश पहले से भी थे, पिछले वर्षों में भी ऐसे रहते थे, लेकिन एक नया निर्देश यह है कि हर परीक्षा केंद्र पर आपके विद्यालय के शिक्षक आगे रहेंगे। जितने भी कक्षों में परीक्षाएं आपकी होगी उसमें आधे कक्ष निरीक्षक आपके विद्यालय के रहेंगे और आधे कक्ष निरीक्षक 50% दूसरे विद्यालयों से हमारे विभाग के द्वारा हम लोगों को प्रेषित किए जाएंगे। उसकी सूची अभी पता चला है, तैयार हो गई है और वो सूची भी आप लोग प्राप्त कर लेंगे। अवधि में परीक्षा व्यवस्था से जुड़े व्यक्तियों से इतर बाह्य व्यक्तियों का परीक्षा केंद्र में प्रवेश और फोटोग्राफी पूरी तरह से वर्जित रहेगा। कहने का आशय यह है कि सामान्यतः हम लोग इसको व्यवहार में ध्यान नहीं करते हैं, मोबाइल हमारे साथ रहता है, कक्ष निरीक्षक मोबाइल न लेके जाए कक्ष में और किसी प्रकार की भी फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, नहीं करेंगे। किसी प्रकार का शस्त्र आदि न तो परीक्षार्थी लेके जाएगा और न ही कक्ष निरीक्षक लेके जाएंगे। किसी प्रकार की पाठ्य सामग्री या किस प्रकार का कोई भी कागज ब्लैंक भी लेके जाने की अनुमति नहीं होगी। हाँ, उत्तर पुस्तिकाओं का प्रयोग जिन भी जनपदों में, सभी जनपदों में इस बार क्रमांक वाली उत्तर पुस्तिकाएं प्रेषित की गई हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी जनपद हैं, पिछले वर्ष सभी जनपदों में ये व्यवस्था नहीं थी, इस वर्ष सभी जनपदों में 100% परीक्षार्थी प्रत्येक विषय की जो कॉपी यूज करेगा, जो उत्तर पुस्तिका यूज करेगा, उसका एक क्रमांक होगा और उस क्रमांक का एक उपयोग भी है। जो इस वर्ष उपस्थिति तालिका दी जा रही है उस उपस्थिति तालिका में प्रत्येक परीक्षार्थी प्रतिदिन अपनी उत्तर पुस्तिका का क्रमांक उस पर दर्ज करेगा। ये ऐसा कभी नहीं हुआ है। इसका आशय यह है कि जो भी परीक्षार्थी जो भी उत्तर पुस्तिका का उस दिन प्रयोग कर रहा है उसका वो अपनी उपस्थिति पंजिका में स्वयं दर्ज करके हस्ताक्षर करेगा। जैसे हमको बैठने के लिए पर्याप्त फर्नीचर की व्यवस्था करनी है, अगर कहीं कमी है उसको पूरा करेंगे। किसी भी विद्यालय में कोई भी परीक्षार्थी टेंटेज में परीक्षा नहीं देगा। हर जगह पर बाउंड्री वॉल होती ही है, ऐसा हम लोगों ने बहुत पहले से लेके दिया है और इसकी भली भांति जिला प्रशासन के द्वारा और शिक्षा प्रशासन के द्वारा मॉनिटरिंग हुई है और सबकी रिपोर्ट्स के माध्यम से ही सेंटर बनाए गए हैं। उस दिन वही परीक्षा संपन्न होनी चाहिए जिस मीटिंग में जिस विषय की परीक्षा है, कृपा करके इसका ध्यान रखिए। कभी भी जानबूझ करके नहीं होगी, अगर कहीं किसी प्रकार की छोटी मोटी त्रुटि हो जाती है अनजाने में तो उसको सब लोग मिल करके हल करें।
नकद की पुष्टि संपादित हुई थी। और मैं आशा करता हूँ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से हमारे जनपद में नहीं होगी, जिससे कहीं पर नकल की संभावना सामने आए या कोई अप्रिय घटना की स्थिति आए। और जिला प्रशासन का जो और पुलिस प्रशासन का जो व्यवस्था में इस बोर्ड की महत्व बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। साथियों, वैसे एक महीने शायद एक डेढ़ महीने पहले आपको एक बार संबोधन तो कर चुका हूँ, और इस परीक्षा के जो संवेदनशीलता के बारे में और व्यवस्था के बारे में पूरा डिटेल में चर्चा हुई थी। उस समय में हम लोग का सेंटर फाइनल हो गई थी। ये भी बताए थे पिछले साल से हम लोग इस बार जो परीक्षार्थी कम है, फिर भी हम लोग सेंटर ज़्यादा बनाया। इसके एक ही मकसद है ताकि केवल सिफारिश वाले के ही सेंटर नहीं है, जो सेंटर का छवि अच्छा है केवल उसी के ही बनाया है। इसलिए तो आपको भी तो आश्चर्य होगा, तो कोई दौड़ भाग बिना करते हुए आपका सेंटर अपने आप बन गया है इस बार। और हम लोग उस पर खासतौर पर आपका सेंटर का छवि का पता करते हुए, तो फिर वहाँ मेरा टीम नहीं है, SDM साहब और सब लोग जा करके चेक किए किसके पास पर्याप्त सुविधा का जो वहाँ व्यवस्था है उसी हिसाब से हम लोग सेंटर बनाए। इसलिए आपको ऊपर भरोसा ज़्यादा है, ताकि 212 सेंटर मांग के जा रहे हैं गोरखपुर का, ये अच्छा सेंटर के रूप से मनाया जाता है। और हम लोग का ये भी है जो आगे अब जानते हैं गोरखपुर में लगातार रोज़ परीक्षा तो होती रहती है, एक परीक्षा का सेंटर बनी हुई है शहर। कल भी दो परीक्षा थी, BED का परीक्षा थी, फिर इसका भी भर्ती पुलिस भर्ती का भी जो आरक्षी का भर्ती का भी परीक्षा थी, और लगातार रोज परीक्षा होती है। उसका सेंटर का रैंकिंग भी करवा रहे हैं ABCD कैटेगरीज करा करके, किसका छवि अच्छा है, किसका बहुत परिणाम है, किसका साफ सुथरी जो व्यवस्था है उसी का ग्रेडिंग कराने के लिए हम लोग निर्देश मिला है। जो कहा बोर्ड परीक्षा के साथ साथ आपको एक बार ग्रेडिंग हो जाएगा, एक तरफ मान लीजिए प्रदेश स्तर पे उसको रैंकिंग भी की जा रही है ABCD करके। खासतौर पर अग्नि सेवा आयोग ने ये डिमांड हम लोग के सामने रखा है। इस समय में आपको सामने भी चुनौती है, ताकि ये जो आप डिटेल इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे इस पे ये भी दिया हुआ है, संवेदनशील अति संवेदनशील और सामान्य सेंटर कौन सी है, उसी हिसाब से हमें भी व्यवस्था कराना होता है। ये देखिए, इस पे खासतौर पे दो ही लोग का भूमिका बहुत अहम माना जाता है सेंटर पे, खासतौर पे सेंटर व्यवस्था पक्का है, ताकि हर चीज आप ही जानते हैं आपके सेंटर के बारे में, कौन टीचर है, उसका क्या ज्ञान है, कितने बच्चे हैं, कहाँ से आ रहे हैं बच्चे, कौन सी कमरा में क्या व्यवस्था है, किधर खिड़की खुली हुई है, कहाँ शौचालय है, कहाँ पानी की व्यवस्था, सारे चीज बार बार आपको सामने हम लोग दोहरा रहे हैं। तो हम लोग व्यस्त समय में हम और कप्तान साहब निकल करके आपके सामने आने के एक ही मकसद है। लेकिन तो फंडा तो क्लियर है, पिछले बार में हम लोग डिटेल में बताया था नकल कराने में कितने बड़ा नुकसान होता है। केवल एक व्यक्ति का फायदा उनके सामने दिखता है, बट उसका परिणाम निकल करके ये सिस्टम को ऊपर इतने बड़ा चोट पहुंचाती है, उसके बाद फिर उसको सही करने में तो पीढ़ी से पीढ़ी लग जाता है। और ये गलत संदेश जाता है बच्चे भी, मान लीजिए इस समय में कक्षा 10 और कक्षा 12 पास करने वाले बच्चे ने मन हो गया, मेरे पास पैसा है, मेरे पास जुगाड़ है, हम यदि तो सिस्टम का गुमराह करके कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर वो आदमी कुछ भी कर लेगा भविष्य में, किसी मेन स्ट्रीम में आ जाएगा, उससे ज्यादा खतरनाक आदमी नहीं हो सकता है। कैंसर जैसे बीमारी हो जाता है सिस्टम के अंदर आकर के पूरा सिस्टम को करप्ट कर देता है। अब ये बहुत जरूरी चीज है हम लोग का, ताकि वो वहीं शुरुआत में निपटा दे उनका ऐसे मामला का। अब देखिए, जो इसका बढ़ावा तो हर जगह से मिलता है लड़का का, ताकि उनका मन में यही दिखता है मैं तो डिग्री पास करूंगा, यानी जो मेरा पास बोर्ड एग्जाम है उसके बाद डिग्री मिलेगा तो फिर नौकरी मिलेगा, उनके मन में यही दिखता है, उसी के लिए तो कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, कहाँ पैसा देना है, किसका सिफारिश लगाना, सारे चीज। अब इसी का यार इनके मन में ये भावना हम लोग का लाना है, जो बच्चे पास होना तो अपने मेहनत से पास होगा, किसी का नकल के वजह और किसी का सिफारिश के वजह उनका रास्ता हम खोलने नहीं देंगे किसी का। और यह देखिए, इस बार तो सेंटर में हम लोग काफी शक्ति कर रहे हैं, इसमें 2-3 पहल हम लोग ये है, वैसे तो पिछले बार भी हुआ है, CCTV कैमरा तो हर कमरा में लगी हुई है, वॉइस रिकॉर्डर भी है। आपसे ये अपील करता हूँ, ये जो परीक्षा के समय तक, यानी जो 7 फरवरी से लेकर मार्च 2 तक का जो कितने CC फुटेज है और जो उसका वॉइस रिकॉर्डिंग है, उसको आप मेमोरी इंटैक्ट रखें, ताकि ये जो कोई चीज जरूरत पड़ता है तो जांच पड़ताल में उसी से ही हम लोग का तो फिर जांच करने में वो सुविधा मिलता है।
इसलिए तो मैं अपेक्षा नहीं करता हूँ किसी से, मान लीजिए बीच में किसी न किसी वजह कोई वॉइस रिकॉर्डर देखने चाहता है, नहीं तो फुटेज चेक करने चाहता है, उस समय में आपके पास मेमोरी नहीं है, फुटेज नहीं है, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। ऐसे नहीं केवल शोपीस लगा दिए, केवल कैमरा बस हम लोग का बस ये कराने के लिए, लिफाफोती कराने के लिए नहीं चलेगा। ताकि जो एक महीने जो परीक्षा रुकी का समय, जो परीक्षा के समय होता है 2-7 तारीख से लेकर 2 मार्च तक का, उस समय में कितने भी गतिविधियां होता है आपके सेंटर के अंदर, वो सारे रिकॉर्ड होना चाहिए था। नंबर दो जो पहले इस पे कंडीशन दिया हुआ है, जो सेंटर में आपका इस पर समय में निर्देश भी आया है 50% आपका आदमी रहेंगे, 50% और दूसरे जगह से लगाएंगे हम लोग। जो लगाने वाले के पहले से निर्देश है, जो उसी विषय का जो एक्सपर्ट है उसी दिन उसी परीक्षा में नहीं रहेंगे, पहले से स्पष्ट है, अब जानते हैं। और दूसरा चीज है, जो वहां का मान लीजिए कोई आपका परिवार से संबंधित है, रिश्तेदार से संबंधित है, नहीं तो केंद्र व्यवस्थापक का है, नहीं तो वहां का इन्विजिलेटर का संबंधित कोई परीक्षा देता है, उन्हीं के कतई ड्यूटी नहीं लगना है। ताकि ये जानकारी हम लोग के पास नहीं होता है, हम लोग जो नो रिलेशन सर्टिफिकेट तो लेते हैं भले, हम लोग को ये पता नहीं रहता है तो कौन है, किससे जुड़ा हुआ है। यदि आपको लगता है किसी का रिश्तेदार है, किसी का रिलेटिव है, किसी का परिवार का कोई परीक्षा दे रहा है, तो कृपया करके उनकी ड्यूटी मत लगाए वहाँ इस सेंटर पर। और तीसरा चीज है, जो इस समय में जो ये नया इंस्ट्रक्शन आया है, 200 मीटर परिस्थिति में कोई अभिभावक अलाउड नहीं है। अभिभावक तो पहले तो आप जानते हैं छोड़ने के लिए आते हैं, ठीक है, खासतौर पर जो लड़कियां का जो परीक्षार्थी होते हैं लड़की, उनके साथ परिवार तो आते हैं, उनको बता दीजिए वो तो परीक्षा के बाद दूर हट के जो अभिभावक को चले जाए उस पर आस पास ना रहे, ताकि हमेशा वो शिकायत मिलती है, वो कोशिश करता है उनका मदद करके उनके कैसे निकलने के लिए। और एक चीज है तो बार बार हम लोग बुराते हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के ऊपर, खासतौर पे मोबाइल फोन है और ब्लूटूथ का टेक्नोलॉजी जो भी डिवाइस है वो लेके आते हैं, वो उसको ऊपर सतर्क रहना है, इसलिए ढंग से फ्रिस्किंग होना है पहले से। और इनका जो भी डिवाइस है, मोबाइल किताब और जो भी सामान रखने के लिए व्यवस्था भी आपको कराना होगा वहाँ, ताकि आज खासतौर पर जो मान लीजिए एक परीक्षार्थी उन्हीं का सेंटर कहीं दूर से लगा हुआ, जरूर तो मोबाइल तो किसी के किसी पास तो होगा, तो स्विच ऑफ करके कहीं रखते हैं, सुरक्षा कराने की व्यवस्था आपको कराना होगा। ये कि बहुत सारे हमारे जो केंद्र व्यवस्थापक साहब हैं काफी सीनियर लोग हैं, और मैं यहाँ एक श्लोक पढ़ना चाहूंगा। आप सभी मुझे लगता है टीचर तो होंगे ही सभी लोग, कोई केंद्र व्यवस्थापक ऐसा है जो टीचर ना रहा हो, हाथ खड़ा करेगा? तो मैं उनको हटा करके, जो टीचर नहीं रहे वो केंद्र व्यवस्थापक को हटा करके, मेरा श्लोक यही है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर साक्षात देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने उस गुरु की पदवी को बरकरार रखें जो आपको भगवान से भी ऊपर दी गई है। आप केंद्र व्यवस्थापक नहीं है, मेरी तरफ से आप महागुरु हैं, आप गुरु नहीं है, आप गुरुओं के गुरु महागुरु हैं आप लोग। और यदि आपसे हम अपेक्षा नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, कि मंशा तो है ही, लेकिन ये हमारा अपना नैतिक सामाजिक निजी दायित्व है गुरु होने के नाते आपका, कि आपके शिष्य ठीक हों। और ये पहली सीढ़ी है राष्ट्र निर्माण की। अगर आप सभी लोग अपने आप को भारत देश का वासी मानते हैं, राष्ट्र निर्माण की तनिक भी एक परसेंट भी आपके अंदर इच्छा है, तो ये एक महीना ऐसा मौका है कि आप देश सेवा कर सकते हैं। आपको देश सेवा के लिए कंबल बांटने की जरूरत नहीं है, आपको देश सेवा के लिए दान करने की जरूरत नहीं है। इस एक महीना व्रत ले लीजिए कि आप ये परीक्षाएं अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे ईमानदारी से कराने की, भले ही आपका बच्चा बैठा हो वहां पर। ये वो बीज है जो 20 साल बाद फलता है। आज 10वीं का बच्चा जो पढ़ेगा, जो फेल होगा चाहे पास होगा, आज 10वीं का परीक्षा दे रहा है 15 साल का है, जब वो 25 साल का होगा यही एक बीज होता है 10वीं में क्या किया तुमने, और यहीं से उसकी शुरुआत हो जाती है। जैसा जिलाधिकारी महोदय ने भी कहा कि उसको गलत पैटर्न की पढ़ाई हो जाएगी, गलत नकल से पास हो जाएगा, तो उसको जीवन का औचित्य नहीं समझ में आएगा, जीवन का मूल्य नहीं समझ में आएगा, आपका ही सम्मान नहीं करेगा। गुरु और माता पिता यही तीन लोगों को हमें सिखाया गया है, और आप तीनों का अगर सम्मान नहीं होगा सोसाइटी समाज जो है खत्म हो जाएगा। तो मैं आपसे एक ही मार्मिक यही अपील हृदय से करूंगा आपसे, कि अपने हृदय के अंदर बैठे उस महागुरु को जगाएं, राष्ट्र निर्माण में हमारा सहयोग दें, समाज के निर्माण में हमारा सहयोग दें। ये केवल गोरखपुर की बात नहीं है, ये आपके अंतर्मन की बात होनी चाहिए कि गोरखपुर में, हमारा शहर जो गोरखपुर है,
नकल विहीन परीक्षा होंगी। और छोटी छोटी बातें जिलाधिकारी महोदय ने बता दी हैं, आप में से कुछ बहुत बुजुर्ग हैं जो शायद व्हाट्सएप वगैरह ना भी चलाते होंगे, मेरी गुजारिश यही है कि क्रेन व्यवस्थापक साहिब सभी लोग स्मार्टफोन सीख लें। इसमें से कितने लोग ऐसे होंगे जो स्मार्टफोन नहीं चलाते, हाथ खड़ा करें, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है? हैं कुछ लोग हैं अभी भी, तो स्मार्टफोन वो स्क्रीन टच वाले फोन है, इसको कम से कम सभी केंद्र व्यवस्थापक रखें जिससे आपके ग्रुप हम बना सकें, आपसे संवाद रख सकें, क्योंकि 211 लोगों से लगातार संवाद रखना ये भी मुश्किल बात है। दिन में कम से कम जिलाधिकारी महोदय या हम में से कोई एक बात रख देगा, आपको हम कुछ क्लिपिंग भेज देंगे, देख लीजिएगा। नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की। ज़रूर बहुत सख्ती से कार्रवाई होगा, इस बार निर्देश तो स्पष्ट है, उस पर हम नशे तक लगाएंगे, ताकि एक तरफ ये देश हानि पहुंचा रहा है तो बड़े सिस्टम का तो हानि पहुंचा रहा है उसी का, उसी के सबसे बहुत सीरियसली लेंगे उसका। पहले से शक्ति कर रखा है हम लोग, 211 जो व्यवस्थापक आए थे वो सबको निर्देश दिए हैं, पहले भी हमने इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियरली बता दिया, कहीं भी नकल होते हुए मिलता है तो बहुत सख्ती से सख्ती कार्रवाई होगा उस पर। अब उसी का दोबारा हम लोग दोहराने के लिए आए, ताकि 7 तारीख से भी परीक्षा चालू होने वाले फरवरी से, उसका हम लोग सख्ती से करेंगे और पारदर्शिता रूप से करेंगे, अच्छा परीक्षा होगा इस पर। हाँ, उन लोग रैम को सुविधा है, फिर मान लीजिए नेत्रहीन होते हैं तो उसका अलग समय भी देते हैं, हर घंटे के 20 मिनट एक्स्ट्रा दी जाती है उनका, स्क्रिबर भी अलाउ करते हैं, उसका इंस्ट्रक्शन क्लियर है, जो बच्चे हैं जो विकलांग जो कितने बच्चे हैं उसी का उस हिसाब से सुविधा मिलेगा। परीक्षा पर चर्चा के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोजेक्टर के माध्यम से सीधे परीक्षार्थी से रूबरू हुए और उन्हें परीक्षा में सफलता के टिप्स बताए। पीएम मोदी ने कहा कि कोई भी लक्ष्य छोटा नहीं होता, उसे पूरा करने के लिए लगन और हिम्मत की जरूरत होती है, परीक्षा के दौरान होपलेस ना हो। पीएम मोदी ने कहा कि टाइम इज मनी, समय की कीमत पहचानिए और उसी के हिसाब से लक्ष्य को हासिल करें। सरस्वती विद्या मंदिर परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र के विधायक विपिन सिंह, भाजपा के महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव सहित अन्य पदाधिकारी, स्कूल के शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव और गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र के विधायक विपिन सिंह ने कहा, इन छोटे छोटे लक्ष्य का वेरिफिकेशन करते रहेंगे तो बड़े लक्ष्य तक जाने में कोई बड़ा हादसा नहीं होगा, आप उसको आसानी से करेक्ट करते जाएंगे, पार करते जाएंगे। तो लक्ष्य सिर्फ होना इनफ नहीं है, लक्ष्य पाने के रास्ते में आपका कितना कॉन्सेंट्रेशन है, आप कितनी एनर्जी कितनी लगाते हैं, किस काम के लिए कितना समय लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, इस पर अगर आप जागरूक है, मुझे विश्वास है कि कोई लक्ष्य बेकार नहीं जाता है, वो लक्ष्य आपको ही सामर्थ्यवान बनाता है। इतनी सारी चीजें कैसे मैंने ये काम क्यों किया है, मैं तो बेकार में समय बिगाड़ दिया, ये तो मैं तो यहाँ खाली बैठ रहा था, मैं तो ऐसे ही बातें कर रहा था, मैं ऐसी उस चीज़ को देखता देखा करता था। आप तुरंत सोचेंगे नहीं, ये 6 चीज़ें काम करूँ, ये समय निकलेगा यहाँ उपयोग करूँगा। टाइम मैनेजमेंट ये हमारे अपने बात अपने हाथ की बात, हम इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं, और इसके लिए कोई बड़े MBA बहुत बड़ी ऑक्सफोर्ड की किताब पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। सिंपली आप
अपने यहाँ घर काम के लिए आने वाली महिला को जरा ऑब्जर्व कीजिए। इन दिनों एक ही परिवार में घर काम करने वाले जो लोग होते हैं बहुत कम होते हैं, वे 10-12 घरों में काम करते हैं और उनको पता होता है कि किचन में 7 बजे बर्तन साफ करता है, किचन में 9 बजे बर्तन साफ करना होता है, किचन में 11 बजे कपड़े धोने होते हैं, उनके घर में 12 बजे किचन में जाते हैं। आप देखेंगे साइकिल होगी, स्कूटी होगी, ट्रैफिक का सारा हिसाब मिला होगा, लेकिन बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट उनका परफेक्ट होगा। वो 3-4 बजे तक जितने परिवारों में सेवा करती हैं या करता है वो बिल्कुल परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट से करते हैं कि नहीं करते हैं, हमने ऑब्जर्व नहीं किया। यानी जिसने स्कूल देखी नहीं है, क्लास देखा नहीं है, लेकिन उसको भी समझ है कि मेरे समय को मैं ऐसे बांटूं। और आपने देखा होगा किसी घर में अगर नहाने में देर हुई है, कपड़े धोने बाकी हैं, तो कह देती है कि ठीक है रखे रखो, कल साथ में धोऊंगी, आज नहीं, मेरा समय होता है, होता ही नहीं होता है, आपने ऑब्जर्व ही नहीं किया। यही घर पर है आप ऑब्जर्व कीजिए, जो सफल लोग होते हैं, जो बिल्कुल हंसते खेलते काम कर रहे हैं, उनको समय का कोई दबाव नहीं होता है, कभी ट्रेन दौड़ पकड़ने के लिए भागते नहीं है, कभी उसको लंच बॉक्स कभी भूल जाते हैं, कभी चश्मा भूल जाते हैं, कभी किताब, कुछ नहीं होता है, सब परफेक्ट चलता है। क्यों? उन्होंने अपने समय की कीमत समझी है। टाइम इज मनी हम सुनते आए हैं, लेकिन उसी को सबसे ज्यादा बर्बाद करने का हमारा स्वभाव है। हम तय करें कुछ रह जाए तो रह जाए, समय बर्बाद नहीं होने दूंगा। परीक्षा पे चर्चा, ऐसा एक देशव्यापी कार्यक्रम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने, जो कक्षा 10 और 12 के परीक्षार्थी जो दबाव में रहते हैं कि हमें परीक्षा देनी है, साइकोलॉजिकली उनका प्रेशर होता है, उस दबाव को समाप्त करने के लिए उन्होंने पूरे देश में छात्रों को, अभिभावकों को और जो टीचर्स हैं उनके लिए एक संयुक्त कार्यक्रम आज ये दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में उन्होंने आयोजित किया है। और हम सभी संगठन के लोग भी सभी विद्यालयों में बातचीत करके और उसी प्रकार का अपना एक कार्यक्रम सरस्वती विद्या मंदिर में यहाँ आयोजित हुआ, बहुत अच्छा ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। और यहाँ के भी जो विद्यार्थी हमारे स्थानीय स्तर पर हैं ये लोग भी देख करके और प्रधानमंत्री का जो हाजिर जवाब है, जो प्रश्न किए जा रहे हैं छात्रों द्वारा और जिस प्रकार अभिभावकों ने भी प्रश्न किए हैं दबाव को लेकर के और बहुत सारी जो उनकी भूमिका समस्याएं उसको लेकर के उन्होंने जो चर्चाएं की और प्रधानमंत्री जो बेबाकी से जवाब दिया है उसका हम सभी निश्चित तौर पे हम सभी उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और बच्चों ने भी बहुत सीख ली है और जिस प्रकार के उल्लास के साथ, हर्षोल्लास के साथ उन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया है, यह एक बहुत अनोखा प्रयोग सदैव प्रधानमंत्री जी ने किया है। निश्चित तौर पर पूरे देश के विद्यार्थी इसे सीख लेंगे और हम सभी उनके उज्ज्वल भविष्य की भी कामना करते हैं और आगे जो परीक्षा है उन पर सफलता के लिए उसे आगे। प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पर चर्चा, तो सीधे प्रधानमंत्री से सारे स्टूडेंट्स या अभिभावक या अध्यापक संवाद कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी उनका जवाब दे रहे हैं, इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा, विद्यार्थियों को भी उनसे शिक्षा मिल रही है। हम लोगों के जीवन में ये समय की कीमत, 24 घंटे होते हैं, 365 दिन होते हैं, तो सबके लिए जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चाहे छोटा हो बड़ा हो सबके लिए वो है, समय फिक्स है। और अपने कार्यों का विभाजन आप अपने उस 24 घंटे में कर लें तो बेहतर होगा, जीवन में आप सफल रहेंगे, यही सब हमारे प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है और उस पर सारे लोग अमल कर रहे हैं। हम लोग सरस्वती विद्या मंदिर में इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। बस MG इंटर कॉलेज के परिसर में श्रुति पांडे ने एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है जो बेकार पड़े भूसे से बनाया गया है, जिसका मंगलवार को जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने भौतिक निरीक्षण किया तथा उसके खूबियों से रूबरू हुए। गौरतलब है कि बीटेक की छात्रा श्रुति पांडे ने अपने हुनर का उपयोग करते हुए खेतों में बेकार पड़े हुए भूसे से एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। 380 वर्ग मीटर में निर्मित इस मकान में 3 कमरे दिखाए गए हैं जिसका DM ने अवलोकन किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने बताया। छत भी उसी का है। हाँ क्या बैठ रही थी इसका यार? 800 रुपीज
800 rupees स्क्वायर फीट, मतलब ये कम नहीं, 30 स्क्वायर फीट का होगा? 350 हाँ सही है, 350 स्क्वायर फीट जी। प्रधानमंत्री आवास के 240 प्रधानमंत्री आवास अगर उसी के ये है बेसिकली 3 लाख। वो लड़की से मैं बताया था जो बिल्डिंग वो उससे सर्टिफिकेट लेने के लिए वो आ जाएगा, हम प्रधानमंत्री आवास भी चालू कर देंगे। बिल्डिंग काउंसिल होता है ना, बिल्डिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, उसी से प्रमाण पत्र ला वो मिल चुकी है हमसे बार बार। हाँ सर, शाहपुर की बना है, हाँ एक एक विद्यालय है उसकी बिल्डिंग की तरफ बनाया है। इसमें सबसे प्लस पॉइंट सर यह है कि हमारा जो मेस ये फायर रेसिस्टेंट है सर, इसमें अगर बिल्डिंग मशीन लगा दिया जाए गैस नहीं ऊपर कुछ नहीं, 28 टन के प्रेशर से उसको प्रेस करते हैं तो ऑक्सीजन जीरो हो जाता। अच्छा, इसको अगर कोई क्या है कि इसमें कांटे ठोक दे या जैसे ईंटे की दीवार है ना तो लोग खोद देते हैं, लेकिन इसमें तो वो जब काटता था मशीन से तो उसमें से आग निकलती है, वो इतना मजबूत था। ये बनने में कितने दिन लगा? बस एक महीना मतलब 8 दिन से, जबकि उस समय बरसात का समय था, बीच में एक दो दिन काम भी लगा। नहीं, ये कहाँ से बनता है या कहाँ से मिलता है सर? ये तो पहले बनाया गया इंपोर्ट के बच्चे वहाँ अब इनकी एक MOU तो साइन हो गया था ना किसी कंपनी से, कहीं बाहर चली गई क्या? नहीं नहीं, वो उसका एक इंटरव्यू है। श्रीति पांडे करके एक लड़की है, श्रीति पांडे यहाँ गोरखपुर गई है, उन्हीं का एक पहल है ये जो भूसा से एक स्ट्रक्चर खड़ी की है बिल्डिंग का, एक इको स्ट्रक्चर करके इसका नाम भी दिए हैं। इनका इन्वेस्टर समिट के माध्यम से सिग्नेचर भी हो गया है जो उसका निवेश आने के लिए, एक अच्छा पहल है ताकि जो भूसा जो बचता है उसी से आवास कैसे बन सकता है। ये आवास बहुत मजबूत भी है और इस पर फायर रेसिस्टेंट भी है, ये बस ये एक बिल्डिंग काउंसिल से एक सर्टिफिकेट आना बाकी था, वो आ जाएगा तो हम प्रधानमंत्री आवास भी इसी सीरीज से हम चालू कर सकते हैं उस पर उसी पहल पे। हाँ वो भी है, हाँ बुकिंग रो ये और दोबारा ये रीफैब्रिकेटेड है, यानी जो मान लीजिए एक बार तो हट जाता है दोबारा भी उसको करा सकते हैं, शिफ्ट भी कर सकते हैं, मोबाइल भी है, ये बहुत सारे फायदा है उसका। बस एक ही चीज़ से बिल्डिंग काउंसिल से एक सर्टिफिकेट आना बाकी है, वो आ जाएगा हम लोग तो फिर नया सिरे से पूरा प्रधानमंत्री आवास से चालू कर सकते हैं। विधायक फतेह बहादुर सिंह ने कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र के कल्याणपुर में रोहिन नदी पर अंत्येष्टि स्थल निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। अंतिम संस्कार व अन्य कर्मकांड के लिए 34,36,000 रुपये की लागत से अंत्येष्टि स्थल का निर्माण किया जा रहा है। विधायक फतेह बहादुर सिंह ने कहा कि इस अंत्येष्टि स्थल के निर्माण होने से इस इलाके के ग्राम सभा कल्याणपुर, पीपीगंज, रावतगंज, महावनखोर, अकटहवा, सेनवरी, चरकहुआ, भनपुरवा, भरवल, भगवानपुर, बैकुंठपुर, धर्मपुर, बैलवा, जंगल बिहुली, जंगल अगही सहित लगभग 48 ग्राम सभा के लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि इस शमशान घाट के बनने से किसी व्यक्ति का निधन होने पर उसका अंतिम कर्मकांड किया जा सकता है तथा 1,70,00,000 की लागत से माँ बाईसी मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य का निरीक्षण क्षेत्रीय विधायक ने किया। कार्यक्रम के दौरान बिरहा गायक प्रमोद कुमार यादव, कार्यक्रम में वीडियो संदीप सिंह, प्रमोद यादव, दिनेश सिंह, गंगा जायसवाल, बंशी जायसवाल, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष सगीर खान, पिंटू सिंह, अजय गिरी, दिलीप यादव, राधेश्याम जायसवाल, दीनानाथ यादव, अशोक यादव, लक्ष्मी निषाद, परशुराम यादव, बबलू सिंह, शमशेर रामदास निषाद, गंजू वर्मा, अशोक यादव, राजेश पांडे, हामिद खान आदि मौजूद थे। व्यापार बंधुओं की मासिक समीक्षा बैठक अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रेमचंद मौर्या की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में व्यापारियों के विभिन्न समस्याओं के समाधान पर चर्चा की गई। बैठक में विद्युत बिल जाम की समस्या से निपटने, पार्किंग की व्यवस्था सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में वाणिज्य कर अधिकारी के अलावा विभिन्न व्यापार संगठन से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। इसको छोड़िए फिलहाल, डीएम साहब होंगे तभी जी 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 ठीक है। डीएम साहब ने खुद कहा है, साहब ने खुद कहा है कि 23 घंटा चल ही नहीं सकता सर। 23 घंटा कोई अगर जो ये 15 घंटा चला के दिखा दे, 15 घंटा तो मैं खुद अपने पास से दुगना पैसा विभाग को दूंगा। द्वारा बताया गया था कि महवा मंडी के एक पल्लेदार जिसके पास 2 कमरे है, 5 साल उनका बिजली बिल 19 लाख रुपया आया था। ये सब प्रकरण बहुत पुराने, कई माह के लगभग 6-6 माह होने जा रहे हैं। इनका कोई पल्लेदार था जिसका बिल एक बार चेकिंग में हुआ था,
इसमें आप भी दिखा दूंगा आपको, ये हमको दे दीजिए, कार्यवृत्त में डाल देंगे ना ये आपने जो है 5 लाख कितना बना सर इसका, इसका जो है 78 पूरा लिखा हुआ है, लगातार नोट नोट कर ले। ठीक है, अगला बिंदु है रेती रोड घोष कंपनी के पास ग्राहक वाहन सड़क पर खड़े कर देते हैं, पार्किंग नहीं बनाई गई है। बेतिया श्रीवास्तव कॉम्प्लेक्स में बना मानचित्र पास बिना मानचित्र पास कराए बन रहे भवनों को नहीं रोका जा रहा है, नगर में स्थान स्थान पर जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसमें बताया गया था कि 13 पहले स्थान चिन्हित किए गए थे, 4 की निविदा भी हो गई थी, फिर उन्हें निरस्त भी कर दिया गया, तो नए सिरे से होना था। अब इसमें क्या स्थिति है? अभी तो स्थिति वही बाकी है, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई कार्य नहीं है, पूरे शहर में ये गाड़ियां खड़ी हो रही हैं। वो तो इस क्षेत्र है, जाम की समस्या पूरे क्षेत्र में विभाग की लापरवाही इसका भोग रही है। आदमी जहाँ जाता है गाड़ी खड़ी करता है, बेफिक्र होकर घूमता है, विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, कोई प्लांटी नहीं है, 50-100 बीजे मन बड़ा हुआ। मेरे पास उसके फोटो भी मौजूद है, आज मंगलवार है, पूरा उर्दू बाजार बंद होगा, और मेरा दावा है कि आप 1 घंटे में भी अपने चरपहिया पार नहीं करा सकते, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जाते जाते एक नजर हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। शाहपुर थाना में हुए डबल मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा, SSP ने कहा पुरानी रंजिश में हुई थी हत्या, शेष अभियुक्तों की भी जल्द होगी गिरफ्तारी। जिलाधिकारी व SSP की अध्यक्षता में संपन्न हुई माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित UP बोर्ड परीक्षा की तैयारी बैठक, DM ने कहा नकल करते हुए पकड़े जाने पर हो सकती है रासुका के तहत कार्रवाई। परीक्षा पर चर्चा के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्टर के माध्यम से की परीक्षार्थियों को दिए सफलता के टिप्स, कहा टाइम इज मनी। भूसा निर्मित भवन स्ट्रक्चर का DM ने किया अवलोकन, कहा बिल्डिंग काउंसलिंग से सर्टिफिकेट मिलने के बाद इसे PM आवास योजना में किया जाएगा शामिल। विधायक फतेह बहादुर सिंह ने कल्याणपुर में रोहिन नदी पर अंत्येष्टि स्थल निर्माण कार्य का किया शिलान्यास, कहा अंत्येष्टि स्थल पर बन जाने से लगभग 48 ग्राम सभा के लोगों को काफी होगी सुविधा। अपर नगर मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में संपन्न हुई व्यापार मंदुओं की बैठक, व्यापारियों के विभिन्न समस्याओं के निराकरण पर हुई चर्चा। स्वर्गीय माया पांडे की स्मृति में आयोजित हुई स्वर श्रद्धांजलि कार्यक्रम, स्वरों के माध्यम से दी गई श्रद्धांजलि। सामान्य कार एवं समान वेतन सहित विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे NHM कर्मियों के समर्थन में आया राज कर्मचारी संयुक्त परिषद, कहा जब तक मांगे पूरी नहीं होती जारी रहेगा समर्थन। एनी रेलवे गर्ल्स इंटर कॉलेज का वार्षिक उत्सव समारोह हुआ संपन्न, विद्यालय की छात्राओं द्वारा लगाए गए विज्ञान प्रदर्शनी का महिला कल्याण संगठन की सदस्यों ने किया अवलोकन। स्वच्छ भारत अटल बिहारी वाजपेयी खेल महोत्सव में फुटबॉल मैच का हुआ आगाज, उद्घाटन मैच दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल महावीर छपरा ने 3-1 से जीता। और 2 दिवसीय जनपद स्तरीय ग्रामीण खेल कूद प्रतियोगिता का हुआ आगाज, 19 विकास खंड के खिलाड़ियों ने दिखाया दम। अरकम सी ट्रेवल्स आरे खान मार्केट के निकट मदीना मस्जिद रेती चौक आपके लिए लाए हैं उमराह का खूबसूरत मौका। आप घर बैठे ही उमराह की सारी तैयारियां कर सकते हैं, वो भी बेहद कम खर्चों में। साथ ही ट्रेवल एजेंसी की तरफ से तोहफे में हर हाजी को 3 बैग और 1 एहराम दिया जाएगा। चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की।
राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर मल्टी स्पेशलिटी सुविधाओं से युक्त आपके गोरखपुर शहर में मॉड्यूलर आईसीयू, एनआईसीयू और डायलिसिस की विशेष सुविधा। साथ ही हमारे यहां पर हैं जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, न्यूरो सर्जन, हृदय रोग विशेषज्ञ, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी की भी उत्तम व्यवस्था। हमारी सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर सोना घोष इनफर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के माध्यम से निसंतान दंपतियों के लिए आईवीएफ, इक्सी, IUI, लेजर हैचिंग, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर विधि द्वारा संतान सुख प्राप्त करें और सिटी स्कैन, 2D, इको और पेस मेकर लगाने की उत्तम व्यवस्था। तो संपर्क करें डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर, रेल विहार, मेडिकल कॉलेज रोड, चरगावां, गोरखपुर। हेल्पलाइन नंबर 7706900028। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। बात करनी चाहिए। बात अमो बात बात ऐसी है कि एक बार बात करना चाहता हूं मैं तुमसे। बात तो कर सकते हैं ना हम लोग। अब मुझे ऐसा लगता है अमृता कि होता है, हो जाता है, समझता बेटर है। मैं क्या कह रहा था, अमु तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए। कभी ना कभी तो बात करनी थी। नहीं, टाइम आ गया है, हमें बात करनी चाहिए। हाँ है ना पापा। हाँ किससे बात कर रहे हो? अम्मू किसी से नहीं। ओ वो मेरी अम्मू अब बड़ी हो गई है ना, तो इसलिए मैं कोई भी बात मुश्किल नहीं, बस शुरू करने की देर है। इस डॉटर्स डे लेट्स टॉक पीरियड्स। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ सही सुना आपने, जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसढ़, गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
स्वर्गीय माया पांडे की स्मृति में स्वर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे, डॉक्टर चेतना पांडे सहित अन्य पदाधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर स्वर्गीय माया पांडे को कलाकारों ने अपने सुरीले स्वरों के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा, उस जमाने में लोग अपने लिए स्मृति में स्वरांजलि कार्यक्रम होना है। माया पांडे जी एक कलाकार थी, जो स्थापित तो नहीं लेकिन कलाकारों को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देती रही, और वास्तव में ये उन एक कलाकार के स्मृति में स्वरांजलि हो, ये सबसे बड़ा उनके लिए अर्पण है, तर्पण है। मैं उन्हें सशत नमन करती हूँ, और वास्तव में सभी कलाकारों को मैं यही कहती हूँ कि एक इस विधा को अपने अंदर जीवंत रखें और इस देश का नाम रोशन करें, ये मेरी शुभकामना है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ समान कार्य एवं समान वेतन सहित अपनी 6 सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है। मंगलवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मियों का प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश पर राज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने समर्थन किया। राज कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष दुर्ग विजय ने कहा कि जब तक NHM कर्मियों का कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक हम इनका समर्थन करेंगे। इस अवसर पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के मंत्री DK सिंह, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के चिकित्सक JSY से जुड़े स्टाफ नर्स ANM और अन्य संविदा कर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष दुर्ग विजय ने कहा, जिंदाबाद हमें है जुल्म के टक्कर पे, संघर्ष हमारा नारा है, जुल्म के टक्कर संघर्ष हमारा नारा है। दुर्ग विजय, कार्यवाहक अध्यक्ष राज कर्मचारी संयुक्त परिषद, हमारे मंत्री जिला, हम लोग राज कर्मचारी संयुक्त परिषद से, ये NH कर्मी है, इनका NHM कर्मी है, इनका 8 दिन से लगातार आज 9वां दिन धरना चल रहा है। हमारे प्रांतीय नेतृत्व का निर्देशन है कि जनपद के सारे जनपद के पदाधिकारी, जिन जिन जनपदों में, लगभग प्रदेश में सारे जनपदों में कार्यक्रम चल रहा है, राज कर्मचारी संयुक्त परिषद अतुल मिश्रा गुट और जिसके अध्यक्ष आदरणीय सुरेश रावत जी हैं, उनका समर्थन
जारी है और हम लोग जनपद में आकर के जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम चल रहे हैं, हम राज कर्मचारी संयुक्त परिषद के तरफ से इनको धरने का समर्थन करने के लिए आए हैं। और जब तक ये मांग पूरी नहीं इनकी हो जाती है और जब तक धरना चलता रहेगा, राज कर्मचारी संयुक्त परिषद हमारे प्रांतीय नेतृत्व के निर्देशानुसार इनका समर्थन जारी रखेगा। एनी रेलवे गर्ल्स इंटर कॉलेज गोरखपुर का वार्षिक उत्सव समारोह मंगलवार को विद्यालय के प्रांगण में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य कार्मिक अधिकारी प्रशासन नूरुद्दीन अंसारी एवं समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, कोषाध्यक्ष पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्रीमती मीनाक्षी शर्मा एवं महिला कल्याण संगठन के सदस्यों ने विद्यालय की छात्राओं द्वारा लगाए गए विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा छात्राओं के विज्ञान के प्रति रुझान की सराहना की। इस अवसर पर विद्यालय की छात्राओं द्वारा एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें सरस्वती वंदना, स्वागत गान, समूह नृत्य, कव्वाली तथा नृत्य नाटिका की प्रस्तुति सराहनीय रही। विशेष रूप से गणेश जन्म पर आधारित लघु नाटिका की प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्वच्छ भारत अटल बिहारी वाजपेयी खेल महोत्सव के अंतर्गत मंगलवार को सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के मैदान पर बालक बालिका फुटबॉल मैच का शुभारंभ हुआ, जिसके मुख्य अतिथि BCD डायरेक्टर अमलेश पांडे ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका हौसला बढ़ाया। शुभारंभ मैच दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल महावीर छपरा और कोऑपरेटिव स्कूल पिपराइज के बीच खेला गया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 0-0 की बराबरी पर थी। मैच का निर्णय ट्राई ब्रेकर के माध्यम से किया गया, जिसमें दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में कोऑपरेटिव स्कूल को 3-1 के अंतर से हराया। इस अवसर पर पार्वती वेलफेयर सोसाइटी के सचिव महेंद्र गुप्ता, सुरेश राय, नसीम अहमद सहित निर्णायक मंडल की टीम, प्रतिभागी खिलाड़ी और समर्थक मौजूद रहे। बताते चले कि मंडल से फुटबॉल प्रतियोगिता में लड़कियों की 8 और लड़कों की 16 टीमों ने हिस्सा लिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए BCD के डायरेक्टर अमलेश पांडे ने कहा, स्वच्छ भारत अटल बिहारी वाजपेयी प्रतियोगिता चल रही है, फुटबॉल और क्रिकेट खेल का समझिए एक तरह से कुंभ यहाँ पे चल रहा है। जैसे एक कुंभ इलाहाबाद में चल रहा है तो दूसरा खेल का कुंभ यहाँ पे चल रहा है, जो खेलों का कुंभ है। और हर क्षेत्र के बच्चों, चाहे वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, तरह तरह के जितने भी गेम्स हैं, हर तरह के खेल का यहाँ पे कुंभ लगाया गया है। और समझिए ये भी एक संगम का तट हो चुका है और लोग यहाँ खेलों को अपने कंपटीशन को भी वो कर रहे हैं, कंपटीशन भी कर रहे हैं और साथ में खेलों को एंजॉय किया जा रहा है। खेलों का एक तरह से
शानदार आयोजन किया गया गोरखपुर के अंदर, जो जगह जगह चल रहे हैं, यहाँ से लेकर रीजनल स्टेडियम तक अलग अलग खेल अलग अलग जगहों पे हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से काफ़ी प्रतिभा दिखे हैं, उनको एक अच्छा मंच मिला है, ये बहुत शानदार है। देखिए इसमें भी जैसे हम मिले तभी चार टीमें थीं और एज अगर देखेंगे तो 10 साल से लेके 15 साल 20 साल तक के बच्चे थे, बच्चे बच्चियां हैं इसमें। तो एक अपॉर्चुनिटी है, जो बंदा भी 10 साल का है 12 साल का है और इस तरह का अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आके वो खेल रहा है, तो हम मान के चले कि 12 साल हो 13 साल 14 साल का होगा वो, तो प्रदेश लेवल पर खेलेगा और जब वो 16 साल 18 साल का होगा तो नेशनल लेवल पे खेलने के लायक हो जाएगा। तो कंटिन्यूसली आप देखेंगे 8-10 साल का उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम हो जाएगा और इस तरह का 8-10 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है तो बंदे निकलेंगे। फुटबॉल जो है वन ऑफ द पॉपुलर गेम है अपने हिंदुस्तान का और बहुत सारी टीमें हैं वर्ल्ड वाइज, हमें उस लेवल का सक्सेस नहीं मिला जिस लेवल पर हम लोग खेलते हैं। करोड़ों लोग हिंदुस्तान के अंदर फुटबॉल खेलते हैं और देखने वाले भी उसी लेवल पे हैं, बट हम उस लेवल पे नहीं गए हैं क्योंकि उतना टाइम नहीं इन्वेस्ट होता था खेलों पे। अब देख रहे हैं हम खेलों पे और खिलाड़ियों पे अब इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है, टाइम से लेके पैसे का सब लेके, सरकार से लेके और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और खेलों को आगे बढ़ा रहे हैं, खिलाड़ियों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आने वाला फ्यूचर हिंदुस्तान का बहुत अच्छा है अगर इस तरह का सपोर्ट हर लेवल पर मिलता रहा तो। युवा कल्याण विभाग के तत्वावधान में 2 दिवसीय जनपद स्तरीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन मंगलवार को रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया। खेलकूद प्रतियोगिता में कबड्डी, कुश्ती, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल और भारोत्तोलन के लिए 19 विकास खंडों के विद्यालयों से खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में 3000 मीटर दौड़ में कौड़ी राम के कृष्णा गुप्ता को प्रथम स्थान मिला। 400 मीटर दौड़ में पिपराइज की नेहा यादव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। बालिका वर्ग में कबड्डी का शुभारंभ मैच राष्ट्रीय कन्या इंटर कॉलेज बांसगांव और पूर्व माध्यमिक विद्यालय जैनपुर भटट के बीच खेला गया, जिसमें बांसगांव की लड़कियों ने एक तरफा मैच में 28-6 के अंतर से हराया। जिला युवा एवं खेलकूद कल्याण अधिकारी संजय कुमार सिंह ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका हौसला बढ़ाया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला युवा एवं खेलकूद कल्याण अधिकारी संजय कुमार सिंह ने कहा, लोग वहां पर पहुंचे और निर्णायक मंडल मार दो अपने अपने घर से उसके बाद
शाबाश, बहुत अच्छा, चलो ना, मार पांच किलो बड़ा युवा कल्याण विभाग के तत्वावधान में दो दिवसीय ग्रामीण खुली खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है रिजना स्पोर्ट स्टेडियम में, जिसमें आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है। विकास खंडों पर 5 विधाएं अनुमन्य थी। एथलेटिक्स, कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन, इसमें एक ब्लॉक में कम से कम 3 विधाओं में कराते हुए जो विजेता खिलाड़ी हैं उनको आज जनपद स्तरीय इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कराया गया है। और ये ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को एक अवसर युवा कल्याण विभाग देता है ताकि वो इसमें प्रतियोगिताओं में भाग ले करके अपने उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकें, अपने करियर का निर्माण कर सकें, साथ ही वो सोशल एक्टिविटीज ताकि असामाजिक कार्यों से दूर रह करके आपसी प्रेम सौहार्द और भाईचारे का भी विकास हो सके। साथ ही ग्रामीण युवा जितना ही खेलकूद की एक्टिविटीज से जुड़ेंगे उतना ही लोग स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे ताकि जो है स्वास्थ्य पर होने वाले जो अनावश्यक व्यय हैं उनसे भी बचा जा सके। इसलिए खेलकूद की जो गतिविधि है अत्यंत आवश्यक है, खास करके युवा वर्ग के लिए, क्योंकि युवा ही राष्ट्र की रीढ़ है। वह अगर अच्छा निकलेगा, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा तो यह देश भी स्वस्थ होगा। धन्यवाद। जाते जाते एक नजर हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। शाहपुर थाना में हुए डबल मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा। एसएसपी ने कहा पुरानी रंजिश में हुई थी हत्या, शेष अभियुक्तों की भी जल्द होगी गिरफ्तारी। जिलाधिकारी व एसएसपी की अध्यक्षता में संपन्न हुई माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बैठक। डीएम ने कहा नकल करते हुए पकड़े जाने पर हो सकती है रासुका के तहत कार्रवाई। परीक्षा पर चर्चा के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्टर के माध्यम से की परीक्षार्थियों को दिए सफलता के टिप्स, कहा टाइम इज मनी। भूसा निर्मित भवन स्ट्रक्चर का डीएम ने किया अवलोकन, कहा बिल्डिंग काउंसलिंग से सर्टिफिकेट मिलने के बाद इसे पीएम आवास योजना में किया जाएगा शामिल। विधायक फतेह बहादुर सिंह ने कल्याणपुर में रोहिन नदी पर अंत्येष्टि स्थल निर्माण कार्य का किया शिलान्यास, कहा अंत्येष्टि स्थल पर बन जाने से लगभग 48 ग्राम सभा के लोगों को काफी होगी सुविधा। अपर नगर मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में संपन्न हुई व्यापार बंधुओं की बैठक, व्यापारियों के विभिन्न समस्याओं के निराकरण पर हुई चर्चा। स्वर्गीय माया पांडे की स्मृति में आयोजित हुई स्वर श्रद्धांजलि कार्यक्रम, स्वरों के माध्यम से दी गई श्रद्धांजलि। समान कार्य एवं समान वेतन सहित विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे एनएचएम कर्मियों के समर्थन में आया राज कर्मचारी संयुक्त परिषद, कहा जब तक मांगे पूरी नहीं होती जारी रहेगा समर्थन। एनी रेलवे गर्ल्स इंटर कॉलेज का वार्षिक उत्सव समारोह हुआ संपन्न, विद्यालय की छात्राओं द्वारा लगाए गए विज्ञान प्रदर्शनी का महिला कल्याण संगठन की सदस्यों ने किया अवलोकन। स्वच्छ भारत अटल बिहारी वाजपेयी खेल महोत्सव में फुटबॉल मैच का हुआ आगाज, उद्घाटन मैच दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल महावीर छपरा ने 3-1 से जीता। और दो दिवसीय जनपद स्तरीय ग्रामीण खेल कूद प्रतियोगिता का हुआ आगाज, 19 विकास खंड के खिलाड़ियों ने दिखाया दम। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।